तो अर्थशास्त्र के दूसरे लेक्चर में आपका स्वागत है। इसमें हम देखेंगे कि इकोनॉमिक्स के और भी प्रकार होते हैं, जैसे कि पूंजीवादी जिसे कैपिटलिस्ट कहते हैं, बिल्कुल जिसे हम कहते हैं प्राइवेट सेक्टर कहते हैं, सोशलिस्ट समाजवादी जिसे हम सरकारी सेक्टर कह सकते हैं, और मिक्स्ड मिश्रित, दोनों की इसमें प्रधानता होती है। पहले हम देख लेते हैं कैपिटलिस्ट क्या होता है, जिसे पूंजीवादी कहते हैं। इसमें संसाधनों पर निजी क्षेत्र का अधिकार होगा, जैसे कि कोई प्राइवेट प्लेयर है, रिलायंस है, वोडाफोन आइडिया है, टाटा है, ये सब निजी कंपनियां हैं, संसाधन पर इनका खुद का अधिकार होता है। लेकिन इनका जो पॉलिसी है वो गवर्नमेंट बनाती है। कंपनियां तो इनकी होती है, लेकिन ये पॉलिसी जो होती है वो फॉलो करते हैं गवर्नमेंट की। और ये प्राइवेट सेक्टर इसे हम कहते हैं। और ये यूएसए जो कि कैपिटलिस्ट था, और यूएसए का जो आपका कह सकते हैं इकोनॉमी, वो पूरी तरह से किस पर बेस्ड है, सर्विस सेक्टर पर बेस्ड है वो। तो ये प्राइवेट होता है, संसाधनों पर निजी क्षेत्र का अधिकार होता है, पॉलिसी गवर्नमेंट बनाती है, प्राइवेट सेक्टर कहते हैं, यूएसए इसका एग्जाम्पल है। सोशलिस्ट है दूसरा, ये समाजवादी कहते हैं इसको। संसाधन पर सरकार का अधिकार होता है, पॉलिसी इसकी गवर्नमेंट बनाती है, जैसे कि रूस है, रसिया में जो भी है कंपनियां, वहां पर प्राइवेट सेक्टर है ही नहीं, सारी की सारी कंट्रोल जो है वो गवर्नमेंट के हाथ में है। तीसरा होता है मिक्स्ड, जिसे मिश्रित कहते हैं। इसमें प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों का हाथ होता है, पॉलिसी दोनों बनाती है और दोनों ध्यान में रखकर बनाती है, ठीक है, गवर्नमेंट भी बनाती है और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलकर बनाती है अपनी अपनी पॉलिसी। बेस्ट इकोनॉमी इसे कहते हैं, और इंडिया में यही इकोनॉमी चलती है। पहले तो सरकारी था ही नहीं, राव मनमोहन आया था, हमारा मनमोहन जी उस समय वित्त मंत्री थे, पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे, वो आगे मैं बताऊंगा। एलपीजी पॉलिसी आई थी, तब से प्राइवेट सेक्टर का एंट्री हुआ है हमारे इंडिया में। तो तीन है, एक है प्राइवेट, सरकारी, और दोनों का मिश्रित आपका हो गया, ठीक है। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जो होगा, जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं उसमें देखिए क्या हुआ, प्राइवेट प्लेयर हैं वो मनमाने ढंग से दाम बढ़ा देंगे वो आपका, ठीक है, में वस्तुओं का दाम क्या होगा, काफ़ी ज़्यादा होगा, जिसे सरप्लस वैल्यू भी कहते हैं, ठीक है। समाजवादी अर्थव्यवस्था का जन्म, समाजवादी मतलब कि सरकारी हो गया, कार्ल मार्क्स ने दिया था अपने बुक दास कैपिटल में, ये बताया था उन्होंने कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की बुराइयों और सोशलिस्ट इकोनॉमी की अच्छाइयों के बारे में बताया था। क्या हो सकती है बुराइयां और अच्छाइयां? अगर सरकार है तो वो अपने लोगों के बारे में सोचेगी, सर्विस के बारे में सोचेगी, लेकिन जो प्राइवेट प्लेयर होते हैं वो सिर्फ फायदे के बारे में सोचते हैं। अगर किसी दूर दराज के गांव में मानो कि हमें नेटवर्क पहुंचाना, इंटरनेट पहुंचाना है, तो प्राइवेट कंपनियां सबसे पहले अपना प्रॉफिट देखेगी, लेकिन सरकार ऐसा नहीं करेगी, वो सरकार इन्वेस्ट करेगी ताकि लोगों तक सारी सुविधाएं पहुंचे। सबसे पहले ये किसने बताया था? कार्ल मार्क्स ने सरकार की अच्छाइयों के बारे में और प्राइवेट प्लेयर की बुराइयों के बारे में दास कैपिटल बुक में बताया था। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी खराब है और सोशलिस्ट इकोनॉमी अच्छा है, ये बताया था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सोशलिस्ट इकोनॉमी में क्या होता है? इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ और इनकम होता है। जैसे कि सरकार कोई अगर योजना चलाती है तो उस योजना से जो लाभ मिलेगा वो सभी लोगों को एक समान मिलेगा, ये सोशलिस्ट इकोनॉमी की एक विशेषता है। जैसे कि सरकार कोई योजना चला रही है, मानो हर घर नल जल योजना चला रही है, तो वो सभी घरों में पहुंचेगी, वो ये नहीं देखेगा कि ये मेरा दोस्त है, ये मेरा दुश्मन है, तो इसके घर में हम पानी नहीं देंगे, वो सभी को डिस्ट्रीब्यूट करेगी। लेकिन इसमें भ्रष्टाचार ज़्यादा होगा, ये एक बुराई है इसमें कि सरकारी जो इकोनॉमी होगी उसमें भ्रष्टाचार काफ़ी ज़्यादा होगा। सरकार अगर 100 रुपया देती है तो जनता के पास 10 या 20 रुपये पहुंचेगा, बाकी बीच रास्ते में क्या होता है ये तो मैं भी नहीं जानता। वस्तुओं का मूल्य कम होता है, सरकारी वस्तुएं जैसे BSNL का जो आप रिचार्ज अगर करते हो तो वो आपको 94 या 95 रुपये में आ जाएगा, इंटरनेट के साथ 99 में आ जाएगा, 107 में भी आ जाएगा, लेकिन यही अगर आप जियो का करते हो तो आपको 250 से ज़्यादा देने पड़ेंगे।
चाइना में कम्युनिस्ट इकोनॉमी चलती है, इस पर संसाधन का अधिकार तो दोनों का होता है लेकिन पॉलिसी सिर्फ गवर्नमेंट ही बनाती है। एक तरह की और इकोनॉमी होती है, इसका डिस्कशन करते हैं। ऐसे प्रश्न भी आपने देखे होंगे कि ओपन इकोनॉमी क्या होता है, क्लोज्ड इकोनॉमी क्या होता है, खुली अर्थव्यवस्था और बंद अर्थव्यवस्था। खुली अर्थव्यवस्था में क्या होता है कि आयात और निर्यात दोनों संभव है। अगर किसी चीज़ की कमी है किसी देश में तो वो बाहर से आयात कर सकता है, और अगर किसी चीज़ का सरप्लस है तो वो निर्यात कर सकता है। इससे प्राइस घटता बढ़ता रहता है, लेकिन हाई जीडीपी होती है, वो आयात होगा निर्यात होगा वस्तु बनेंगे। जीडीपी के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। जैसे कि इंडिया हो गया, चाइना हो गया, ये खुली इकोनॉमी है, इसमें आयात और निर्यात दोनों संभव है, इसे हम खुली अर्थव्यवस्था कहते हैं। लेकिन जो बंद अर्थव्यवस्था है, क्लोज्ड इकोनॉमी है, इसमें दोनों में से कोई नहीं होगा, ना तो आयात होगा ना तो निर्यात होगा, वो तो प्राइस क्या होगा, हमेशा अस्टेबल रहेगा। अगर वस्तु 10 रुपये का अगर एक साबुन मिलता है तो वो 10 रुपये ही बना रहेगा, जीडीपी भी उसकी वही रहेगी। अगर आप एक घेरा डाल दें और उसी के अंदर सारी इकोनॉमिक्स पैसा इसी उसी के अंदर इधर उधर होता रहे तो जितना पैसा देश में है उतना ही रहेगा, ना तो वो घटेगा ना तो वो बढ़ेगा। जैसे ब्राज़ील हो गया, नॉर्वे हो गया, यूरोपियन कंट्री जितने हो गए, वो सारे क्लोज्ड इकोनॉमी में, बंद अर्थव्यवस्था में आता है। एक बड़ी अर्थव्यवस्था हमेशा खुली अर्थव्यवस्था होती है, ये भी प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसे हम एलपीजी मॉडल कहते हैं, जिसमें ग्लोबलाइजेशन वर्ड का एक जिक्र आता है कि अगर आपकी अर्थव्यवस्था ज़्यादा आने की बढ़ानी है तो बंद इकोनॉमी से आपको खुली इकोनॉमी में भी जानी पड़ेगी, और खुली इकोनॉमी में जाने के बाद भी आपको ग्लोबलाइजेशन करना पड़ेगा, वैश्वीकरण जिसे कहते हैं। जब कोई अर्थव्यवस्था का प्रभाव पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ साथ व्यापार करने लगे तो उसे वैश्वीकरण कहते हैं, ठीक है। जब कोई अर्थव्यवस्था पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ व्यापार करने लगे तो उसे वैश्वीकरण कहते हैं। वो इसे भारत में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने लाया था, इसे एलपीजी मॉडल कहते हैं। वैसे लाने का जनक तो इन्हीं को कहा जाता है, लेकिन उस समय प्रधानमंत्री थे तो श्रेय इनको भी मिलता है, पीवी नरसिम्हा राव को। इसे एलपीजी पॉलिसी कहते हैं, एल मतलब लिबरलाइजेशन, उदारीकरण कहते हैं। इसे समझने के लिए आप समझ सकते हो कि मान लो आपने रजनीकांत की वो फिल्म देखी थी जिसमें वो स्कूल बनाता है, वो अपना स्कूल खोलने के लिए सरकार के पास जाता है, तो उसे कई तरह की नीतियाँ बनाते हैं कि ये करो वो करो, ऐसे करना पड़ेगा, यहाँ से ये बना के लाओ, ऐसे इसके पास जाओ उसके पास जाओ, कई तरह के नियम उसे दिखा दिए। लेकिन जैसे ही लिबरलाइजेशन आया तो ये सभी नियम बंद हो गए कि आप आओ हमारे देश में, कहीं से भी आओ, चाहे प्राइवेट प्लेयर हो चाहे बाहर का हो, आप हमारे देश में आओ, आपकी पूरी तरह सहायता की जाएगी, और कोई भी ज़्यादा आने की नियम कानून आप पर लागू नहीं होगा, आपको आसान होगा कोई भी फैक्ट्री प्लांट जो भी आपको बनाना है उसे खोलने में। प्राइवेटाइजेशन, वही प्राइवेट प्लेयर्स को आमंत्रित किया गया, और ग्लोबलाइजेशन, ना कि न भारत में ही, भारत के ही प्राइवेट प्लेयर नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड के प्राइवेट प्लेयर को आपको मौका दिया गया भारत में निवेश करने का। तो उदारीकरण, सरकार उदार हो गई, जैसे कि आप ही किसी दफ्तर में जाते हो तो इसके पास जाओ, ये साइन करा के लाओ, उसके पास जाओ, ऐसे करना पड़ेगा, यहाँ जमा करो, वो सब व्यवस्था बिल्कुल आसान कर दिया गया, आप आइए आराम से ये करना, एक जगह बैठ के कीजिए, आपको अनुमति मिलेगी या फिर जो भी परमिशन लेना वो मिल जाएगी। प्राइवेटाइजेशन किया गया और पूरे विश्व को आमंत्रित किया गया, तो इसे एलपीजी पॉलिसी कहते हैं, इसे राव मनमोहन मॉडल भी कहते हैं। इसका जनक पीवी नरसिम्हा राव को कहा जाता है और मनमोहन सिंह उस समय के वित्त मंत्री थे। ये मैंने रेड कलर साइड में इसलिए चिपका रखा क्योंकि ये जो लाइट है उसे अब्जॉर्ब करती है, अगर मैं इसे हटा लूँ तो ये देखो आप कैसे फ्लक्चुएट होने लगेगा ये, ठीक है। मैं इसे रख देता हूँ ताकि लाइटें अब्जॉर्ब हो जाती है और फ्लक्चुएट नहीं होता। अगला टॉपिक है प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम। सबसे पहले किसने बताया था? दादा भाई नौरोजी ने। इसकी गणना ही सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने किया था, इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। वो इन्होंने एक बुक लिखा था पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, एक
क्वेश्चन आपका यहाँ से बन जाता है कि दादा भाई नौरोजी ने कौन सा बुक लिखा था, तो पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। उन्होंने पूरे भारत के प्रति व्यक्ति आय की गणना की थी, पूरे जीडीपी को पॉपुलेशन से डिवाइड किया होगा तभी प्रति व्यक्ति आय मिला होगा, तो उसमें उन्होंने ये 20 रुपया बताया था भारत का, ठीक है। और नेशनल इनकम पूरे 20 जो जीडीपी है पूरा भारत का कितना है जीडीपी उसी से डिवाइड किया होगा, तो वो आगे पढ़ेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटीज है या फिर जीडीपी उसमें हम पढ़ेंगे। एक वर्ड है नेशनल इनकम, नेशनल इनकम को पॉपुलेशन से डिवाइड किया होगा तभी ये आया 20 रुपये। और इसे कौन मेजर करता है, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा मापा जाता है जिसे CSO कहा जाता है। वो स्थापना 1951 में हुआ था और इसका जो हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली में है। तो ये था दूसरा लेक्चर जिसमें मैंने कुछ इम्पोर्टेंट सेक्टर्स या फिर इकोनॉमी का जो सब सेक्टर होता है उसका जिक्र किया। अगर आपको कोई दिक्कत है और इसका आप क्विज करना चाहते हो तो मैं नीचे टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा, उससे आप ज्वाइन कीजिए और डेली क्विज होता है सब्जेक्ट वाइज, वहाँ से आप क्विज कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।